बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अर्तुरुल ने कबीले आने वाले मंगोल का हाथ काट दिया। अर्तुरुल ने मुसीबत को दावत दी है। मैंने कहा था ना कि मैं अपने भाई का इंतकाम जरूर लूंगा। अब मैं पहले तुम्हें और फिर तुम्हारे प्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैं यहां मेहमान नहीं बल्कि रियासत की तरफ से महसूल वसूल करने आया हूं। नाम है उमूर सरदार, उमूर उलार कबीले का सरदार हूं मैं। हाथ में रहो अपनी, वरना तुम सबकी और तुम्हारी इस दोगली बेटी की लाशें जाएंगी यहां से। भाई कुंदूस इन हरकतों की वजह से अपने बाप को तबाह बर्बाद कर देगा। बदकिस्मती से उस खुफिया मकाम के बारे में और उस संदूक में रखी मालूमात का मंगोलों को इल्म हो गया है। कुंदूस सिपाही, छोड़ दो मेरे बाबा को। तुम तो एक लफ्ज भी मत कहना खातून। सही वक्त आने पर तुमसे तुम्हारे झूठ की कीमत निकलवा के रहूंगा मैं। कुंदूस, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी तरबियत में रियासत के साथ वफादारी का अंसर शामिल नहीं किया है। तुमने रियासत की जिम्मेदारी पूरी करने वाले के गले पर खंजर रखने की जरूरत की है। रियासत से वफादारी तुम क्या जानो बूढ़े आदमी। तुम लोग तो मंगोलों के तलवे चाटना जानते हो। कुंदूस भाई, ना तो अपने कबीले से और ना ही किसी और जगह से अर्तुरुल सरदार के आने से पहले तुम्हें महसूल वसूल करने दूंगा मैं। हद में रहो नौजवान। गुंदुस बस करो। आप अब भी नहीं समझी कि ये लोग यहां क्यों आए हैं? ये मंगोलों की मदद करके बाबा के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर देंगे। अपनी हद में रहो नौजवान, वरना तुम अपने कत्ल पे मुझे मजबूर कर दोगे। बाबा गुंदूस बेटा, बाबा आप ठीक हैं?
गुंदूस बेटा, नीचे करो अपना खंजर। गुंदूस, हटाओ खंजर। बाबा, बाबा, सिपाहियों, मैं इस नौजवान को इस खता की सजा जरूर दूंगा। महल में मौजूद हमारे एक जासूस ने खबर भिजवाई है कि उस संदूक को काराबोरो नाम का एक मंगोल कमांडर लेने के लिए आने वाला है किसी भी वक्त। मैं कल अमीर बहाउद्दीन से महसूल के मसले पर बात करने के लिए महल जाऊंगा। मंगोलों के वहां पहुंचने से पहले ही मैं उस संदूक को वहां से लेकर निकल जाऊंगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी नहीं बल्कि आपके सिपाहियों की है अर्तुल सरदार। आप हमारी तंजीम के एक अहम तरीन रुकन हैं और आज के बाद हम आपकी जिंदगी किसी सूरत खतरे में नहीं डालेंगे। सलजूक रियासत का दिफा लाजमी है, हालात चाहे कुछ भी हो। ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि तुर्कों की रियासत आबाद रहने वाली और हमेशा कायम रहने वाली है, यानी कि एक नई तुर्क रियासत का आज नहीं तो कल दुनिया में कायम होना आश्कार है। और अब उन बहादुरों की जिंदगियों को हम खतरे में नहीं डाल सकते जिनकी फहरिस्त संदूक में मौजूद है। मतलब यह है कि मेरी जान इतनी अहम नहीं जितना वो संदूक है। महल में आपके जासूस का नाम क्या है? वो किसी जमाने में आपका बहुत बड़ा दुश्मन था अर्तुल सरदार। उमर सरदार, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। आप सराय जाकर कुछ देर आराम कीजिए, मैं कल वहां आकर आपसे इस बारे में बात करूंगा। अगर आपको हमारी रियासत की तरफ से यह जिम्मेदारी दी गई है तो फिर मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर आपने अपनी हद पार की तो कीमत चुकाना होगी। सिपाहियों, उमर सरदार को पहुंचा कर आओ सराय तक, और साथ ही इलबिल की खातून को भी, या जो भी इनका नाम है। तो गलत बयानी की थी आपने, अफसोस। गुंदूस बेटा, औताक में जाओ।
सिपाहियों। भाई क्या खबर है? उस जख्मी सिपाहियों को दूसरे सिपाहियों के साथ कबीले भेज दिया है। तलाश जारी रखो सिपाहियों। भाई वो लोग उस तरफ गए। ये रास्ता अंधी वादी की तरफ जाता है। भाई अल्लाह ना करे अर्तुल भाई के साथ कुछ बुरा किया हो उन लोगों ने। ऐसा मत सोचो भाई, चलो चले। चलो सिपाहियों सवार हो जाओ। अपनी आंखें खुली रखना। चलो 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 चलो। बाबा कहो बेटी। पानी खत्म हो गया है। तुम्हारी बहन पानी लेने गई है, जाओ जाकर उनकी मदद करो। ठीक है बाबा। कैसी तबीयत है आपकी? क्या चाहिए तुम्हें? जनाब एक ताजर हूं मैं, थियो नाम है मेरा। कबीले में सामान बेचने आता हूं। दरअसल पादरी साहब ने आपसे मुलाकात के लिए भेजा है मुझे। उन्होंने ये आपके और आपकी बेटियों के लिए भेजा है। पादरी साहब को मेरा ख्याल कैसे आया? अर्तुरुल सरदार के हुक्म पर कई सालों से मुसलमान और गैर मुस्लिम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर उन्हें कोई मुश्किल होती है तो अर्तुरुल सरदार को खबर कर देते हैं। पादरी साहब ने कहा है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप खबर भिजवा दीजिएगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं यहां हिफाजत में हूं। आप ठीक तो हैं भाई? मेरी दवा अभी देता हूं आपकी दवा, ये लीजिए। आराम आया कुछ? पादरी साहब से कहना मैं उनका शुक्रगुजार हूं। जरूर कह दूंगा उनसे, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। कलीसा हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। आर्तुक साहब, मुझे कोई हक नहीं, लेकिन आप क्यों नरम पड़ गए? क्यों कहा कि कल सराय जाकर उनसे बात करेंगे? गुंदुज, अपनी हद पार कर रहे हो तुम।
दादी। गुंदू सरदार, मसला ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि मसला इसकी हकीकत तक पहुंचने का है। और हमारे सरदार इस रियासत के सरदार आला हैं। और हमारा काम बाबा की गैर मौजूदगी में उनकी साख की हिफाजत करना है। उस्मान, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना जानता हूं मैं, समझे तुम? बाबा ने बहुत मेहनत से अपना खून पसीना बहाकर सऊद को आबाद किया है। हम आपके गुस्से की वजह से इसे तबाह नहीं कर सकते। उस्मान, उस्मान दुरुस्त कह रहा है। हम सिर्फ अपनी जात के लिए ही नहीं बल्कि इस इलाके में मौजूद हर शख्स के लिए जिम्मेदार हैं। अगर ये निजाम खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अभी के लिए हमारी तलवारों की जगह नियाम है। आर्तुक साहब कल वहां जाकर उमूर सरदार और उनकी बेटी को किस तरह काम किया जाता है अच्छी तरह सिखाएंगे। अगर उन्होंने आर्तुक साहब की बात ना मानी और अपने तरीके पर चलना चाहते हो, सबसे पहले हम उन्हें जबान से समझाने की कोशिश करेंगे और अगर वो फिर भी ना समझे तो उसके बाद हमारी तलवारें उन मक्कारों को अच्छी तरह समझाएंगी। मेरे भाई, उमूर सरदार किस तरह का इंसान है देखा नहीं तुमने? हाँ, वो मलून इंसान अपनी हद में नहीं रह सकता। वो हमें उकसाना चाहते हैं ताकि हम गुस्से में आके कोई गलती कर बैठे। क्या नजर नहीं आ रहा आपको? जो जरूरी हुआ वो करेंगे हम। वक्त जाया कर रहे हैं आप लोग। वो आदमी और खातून हमारे कबीले में महसूल जमा करने के लिए नहीं बल्कि मेरे बाबा के औताक पर कब्जा करने आए थे। वो लोग हम पर मुसल्लत हो जाएंगे, उन्हें आपकी सियासी मसलहतें समझ में नहीं आएंगी। तलवार से समझेंगे वो। मुझे इजाजत दें। गुंदूस, आर्तुक साहब, उमर उगलार वालों की हर हरकत पे नजर रखें आप। वो हर किस काबिले भरोसा नहीं है। आराम कीजिए बाबा। बेटी, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये मेरा पुराना मर्द वापस आ गया है। हद याद दिलाऊंगा मैं उन्हें, उनकी हद में लेकर आऊंगा उन्हें मैं। ठीक है बाबा, लेकिन इस वक्त आपको आराम की जरूरत है, ज्यादा मत सोचिए। हमें कुंदूस या किसी और की कोई परवाह नहीं। हम उनसे हर हाल में महसूल वसूल करके रहेंगे। रियासत की तरफ से हमारी जिम्मेदारी को हर हाल में पूरा करके रहेंगे हम। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अगर उन्हें घुटनों पे झुकाना पड़ा तो झुकाएंगे। मगर आपको आराम की जरूरत है। ये ले बाबा, थोड़ा पानी पी लीजिए। ये ले। इल्बल के बेटी, अब ये तुम्हारा फर्ज है। कुछ भी हो जाए, ये जिम्मेदारी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। इस मसले को बहुत संजीदगी से लेना है तुम्हें, और मुझे सुल्तान के सामने, रियासत के सामने शर्मिंदा मत करना। अताज, तुम्हें मेरी बेटी का साथ देना होगा। जैसा आपका हुक्म। आप बेफिक्र रहें, हम दोनों इस मामले को देख लेंगे। हर शख्स से महसूल का एक एक सिक्का वसूल करेंगे। अगर कोई खिलाफ गया
तो हम जानते हैं उसके साथ क्या करना है। अताज साहब, तमाम सिपाहियों को बुलाइए, जिम्मेदारी देनी है उन्हें। जी ठीक है इल्बिल की खातून। ऐसी कोई जगह नहीं जहां उन्हें हमने नहीं ढूंढा, लेकिन अर्तुरुल भाई का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा। कुछ भी होने से पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा बंसी। उमूर सरदार की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने चाहा तो वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी जिम्मेदारी कितनी अहम है आप सब जानते हैं। उमूर सरदार के सेहतियाब होने तक यह जिम्मेदारी इल्बिलगे खातून निभाएंगी। काई कबीले वालों ने अपनी हद से तजावुज किया है, हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अब चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी को भी इस बारे में जरा बराबर शुबा नहीं होना चाहिए। जैसा आपका हुक्म इल्बिलगे खातून। और अब ना अर्तुक साहब और ना ही अर्तुरुल सरदार के बेटे गुंदूज पे भरोसा कर सकते हैं हम। ये सराय और ये इलाका अर्तुरुल सरदार का है, इसलिए हम लोगों को हिफाजती तदाबीर करनी होगी। कल अर्तुक साहब यहां आकर हमें जिम्मेदारी निभाने का तरीकेकार बताएंगे, या फिर हम अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे। ठीक कहा इल्बिलगे खातून, बिल्कुल ठीक कहा। कम से कम वक्त में हर कबीले में, हर एक गांव में बाजार के ताजिरों के पास एक एक करके जाएंगे और उनसे महसूल वसूल करेंगे। अपनी रियासत के हुक्म के मुताबिक महसूल वसूल करके कोनिया भेज देंगे। किसी को भी खौफजदा होने की जरूरत नहीं, और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें कत्ल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अताज साहब, पहरे पे सिपाही बढ़ा दें। सबको मालूम होना चाहिए कि हम कहां हैं। और आप लोग जाकर आराम कीजिए, लेकिन अपनी आंखों को अपनी तलवारों की तरह तेज रखिए। याद रखिए, यहां कुछ लोग हमारे खिलाफ हैं और हमें अपना दुश्मन समझते हैं। अब आप जाइए। बहुत शुक्रिया आपका। तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूं बहादुर। हमारे सरदार आ गए। देखो तुर्कुत, कुछ भी नहीं हुआ भाई को, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह भाई। माशाल्लाह मेरे बहादुर, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्र है आप ठीक है भाई। वो मंगोल जब आपको ले गए तो हमने हर तरफ तलाश किया भाई। भाई वो सोने की कमान है क्या भाई? कुछ तो बताइए हमें, ये तीर कमान कहां से मिली आपको और इसकी क्या खासियत है, बताइए भाई। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा बम से, लेकिन
एक बहुत अहम जिम्मेदारी को पूरा करना है पहले। कैसी जिम्मेदारी भाई? पहले रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढनी है, वहीं तफसील बताऊंगा। भाई भाई बहुत शुक्रिया। अरे माशाल्लाह अख्तर के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलो बहादुर। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिखाई नहीं देता क्या? अंधे कहीं के मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। क्या सिर्फ इस गरीब पे तुम्हारा जोर चलता है? शुक्रिया आपका। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? तुम कलीसा में घंटा बजाते हो ना? कलीसा का घंटा बजाने के अलावा मैं सराय में आने वालों की खिदमत करता हूँ, अस्तबल की सफाई भी करता हूँ, और वक्त हो तो मेकिस साहब के घर की सफाई और उनके सोने के बाद सोता हूँ। मेकिस, अर्तुरुल सरदार के बाजार की जिम्मेदारी इसकी है? बिल्कुल जनाब, उन्हीं की है। वो पिछले 10 साल से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो वो उन्हें मार देते। कौन? अर्तुरुल सरदार या उनका बेटा गुंदूस या फिर आर्तुक साहब? जनाब, आपके लिए बेहतर होगा कि इस घंटे वाले की बात मान लें और कुंदूस साहब से दूर रहें। आखिर क्या छुपा रहे हो हमसे तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बताओ मुझे, तुमने हमें गुंदूस से दूर रहने को क्यों कहा? वो उनका सबसे बड़ा बेटा है, वो उनके लिए किसी की भी जान ले सकता है। तुम जितनी ज्यादा मालूमात लाओगे तुम्हें उतना ही सोना दिया जाएगा। शुक्रिया, शुक्रिया। आपसे कहा था ना कि इन पर एतबार मत कीजिए।
अर्थरुल ने यहां अलग सल्तनत कायम कर ली है। सल्जूक सल्तनत की भी उसे कोई परवाह नहीं है। अपने कानों से सुन लिया आपने? महल में रखा संदूक हमारे लिए इतना अहम क्यों है? वो संदूक कोई मामूली संदूक नहीं है बंसी। वो हमारी नस्लों का मुस्तकबिल और इस रियासत की जमानत है जो हमें ओस की तरफ से मिली है और हमेशा कायम रहेगी। फिलहाल तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है। संदूक तक कैसे पहुंचेंगे हम? महल में कहां रखा है? उस संदूक तक पहुंचने का एक खुफिया रास्ता है। मेरी अमीर बहाउद्दीन से मुलाकात के दौरान तुम लोग वहां पहुंचकर उस संदूक को हासिल करके अपनी हिफाजत में लोगे। वहां एक शख्स तुम्हारा मुंतजर होगा। वो पहले हमारा दुश्मन था मगर अब दोस्त है। पहले दुश्मन था हमारा और अब हम में से ही है। कौन है वो भाई? जी बेटा, इसमें से थोड़ा मसाला डालो, देखो तो कैसे दादी की मदद कर रहा है। दादी कुर्बान हो जाए तुम पर। दादी, आप उमरलार वालों को पहले से जानती हैं? जानती हूँ बेटा, सब लोग उनके बारे में जानते हैं। ये तो जाहिर है कि मंगोलों की मुदाखलत को उन्होंने अपने कबीले और अपने लोगों को बचाने के लिए कबूल किया है, और यही उन लोगों की सबसे बड़ी गलती है। उस खातून ने हमारे कबीले में आकर सारी की सारी मालूमात हासिल कर ली। उसने सोचा कि हमारे बाबा कोनिया गए हैं तो हम लोग शायद कमजोर पड़ जाएंगे। अब वो खातून बहुत जल्द दूसरे कबाइल भी जाएगी दादी, और हम क्या यहां बैठ के उनका तमाशा देखते रहेंगे? गुंदूस बस करो। अपने बाबा की वापसी का इंतजार करना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। उनकी इस हरकत पर खामोश नहीं बैठ सकता मैं दादी। अपने गुस्से को काबू में रखो तुम। उस खातून ने गलत किया, मैं जानती हूं। तुमने उस पे तलवार उठाकर कबीले को किस मुश्किल में डाल दिया है तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अल्लाह ना करे अगर जंग शुरू हो गई तो बहुत ज्यादा खून रेजी होगी कुंदूस। जब तक वो हम पर हमला ना करें, रियासत की जिम्मेदारी पूरी करने वाले पर हमला नहीं कर सकते हम। अब इस मामले से तुम खुद को दूर रखो गुंदूस। तुम्हारे बाबा कोनिया से आने के बाद इस मसले का हल निकाल लेंगे। उस्मान कहां है? उसे नहीं मालूम ये खाने का वक्त है? Thank you.
उस्मान साहब, आप इस वक्त सराय में क्या कर रहे हैं? इल्बिलगे खातून से मिलना है, क्या वो मौजूद है? मौजूद हैं, लेकिन वो आपको उनसे मिलने नहीं देंगे। मैं जानता हूँ कैसे मिलना है। कहाँ जा रहे हो बेटा? इल्बिल के खातून को अंदर जाकर खबर दो, अर्तुरुल सरदार का बेटा उस्मान आया है। चले जाओ यहां से, मुंह मत लगो हमारे। वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। क्या हो रहा है ये? एक छोटे से बच्चे पे तलवार निकाली है तुमने? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है खातून। आओ अंदर चल के बात करते हैं उस्मान। कहो उस्मान, सुन रही हूं मैं। आप पहले अपने जमीर की आवाज सुनिए। क्या मतलब है तुम्हारा? पहले तो शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई। मेरे बाबा भी आपकी इज्जत करने लगे थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अपने बाबा के साथ हमारे कबीले में आकर क्यों फसाद किया आपने? ये तुम क्या कह रहे हो उस्मान? मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूं। तो फिर आपने अपने भाई से झूठ क्यों बोला इल्बिलगे खातून? क्यों आपके बाबा ने अपनी हद पार की और आपने उन्हें रोका भी नहीं? तुम मेरे बाबा के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप लोग यहाँ रियासत के हुक्म पर आए थे और बाबा से अपने कबीले के लिए जमीन चाहते थे, तो यकीन जानिए मेरे बाबा वो जमीन आपको खुशी से दे देते। लेकिन आप लोगों ने हद से तजावुज किया है। तुम्हारे भाई गुंदूस ने अपनी हद पार की है। आपके बाबा हमारे कबीले में लुटेरे की तरह आए, इसीलिए वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। लेकिन आपने झूठ बोलकर हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, धोखा दिया है। आप मुझे बचाकर जख्मी हालत में बाबा के पास लेकर आईं, फिर बाबा ने अपनी जान से बढ़कर आपकी जान को अहमियत दी। अफसोस है मुझे, बाबा को दुख होगा इस बात का। काश कि आप मुझे वहीं छोड़ देती और आपका असल चेहरा सामने ना आता। उस्मान, अमीर बहाउद्दीन मुकद्दस संदूक को मंगोल कमांडर कारा वीरों के हवाले करने वाला है। मेरी अमानत मेरे हवाले करो बहाउद्दीन। जो हुक्म।